कल्पना कीजिए एक ऐसी रानी की जिसने अपनी सुंदरता और चालाकी से दुनिया के सबसे ताकतवर पुरुषों को अपने कदमों पर झुका दिया। वो थी दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी रानी क्लियोपेट्रा। पर क्या क्लियोपेट्रा की असली शक्ति उसकी बुद्धिमानी और रहस्यमय योजनाओं में छिपी थी? उसकी प्रेम कहानियों से लेकर राजनीतिक चालों तक हर किस्सा एक ऐसा राज है जिसे दुनिया आज तक समझने की कोशिश कर रही है। आइए इस प्राचीन मिस्र की सबसे रहस्यमय रानी के अनसुने राजों की परतों को खोलते हैं, क्लियोपेट्रा के जीवन और उसकी विरासत के पीछे छिपी सच्चाई को जानने के लिए। क्लियोपेट्रा सेवेंथ ने लगभग 3 दशकों तक प्राचीन मिस्र पर सहशासक के रूप में शासन किया, पहले अपने पिता के साथ, फिर अपने 2 छोटे भाइयों और अंततः अपने पुत्र के साथ। वो मैसिडोनियाई शासकों के एक राजवंश का हिस्सा थी जिसकी स्थापना टॉलेमी ने की थी, जो 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मिस्र की विजय के दौरान एक जनरल के रूप में सेवा करते थे। क्लियोपेट्रा ना केवल शिक्षित और बुद्धिमान थी बल्कि वो कई भाषाएं बोलने में भी निपुण थी और अपने सभी सहशासक कालों में प्रमुख शासक रही। उसके प्रेम संबंध और सैन्य गठबंधन रोम के नेताओं जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ थे, जिनकी प्रेम कहानियां और राजनीतिक चालें इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं। उसकी कथित सुंदरता और आकर्षण की शक्तियों ने उसे इतिहास के मिथकों और कहानियों में एक खूबसूरत रहस्यमय रानी के तौर पर स्थापित कर दिया। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन तक का सफर। क्लियोपेट्रा के जीवन के बारे में कोई समकालीन विवरण नहीं होने के कारण उसकी जीवनी को सटीकता के साथ समझना मुश्किल है। जो कुछ भी उसके जीवन के बारे में जाना जाता है वो मुख्य रूप से ग्रीको रोमन विद्वानों, विशेष रूप से प्लूटार्क के लेखन से आता है। 70 या 69 ईसा पूर्व में जन्मी क्लियोपेट्रा टॉलेमी 12th की पुत्री थी, जिसे ओलेट्स भी कहा जाता था। टॉलेमी 12th टॉलेमी 1st सोटर के वंशज थे। टॉलेमी 1st सोटर अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरलों में से एक थे और मिस्र में टॉलेमिक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियोपेट्रा की मां क्लियोपेट्रा 5th ट्राइफेना थी, जो राजा टॉलेमी 12th की पत्नी और संभवतः उसकी सौतेली बहन भी थी। 51 ईसा पूर्व में ओलेट्स की स्वाभाविक मृत्यु के बाद मिस्र का सिंहासन 18 वर्षीय क्लियोपेट्रा और 10 वर्षीय भाई टॉलेमी 13th को मिला। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद टॉलेमी के सलाहकारों ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, जिससे उसे 49 ईसा पूर्व में मिस्र छोड़कर सीरिया भागना पड़ा। वहां उसने भाड़े के सैनिकों की एक सेना तैयार की और अगले वर्ष लौटकर अपने भाई की सेना का सामना मिस्र की पूर्वी सीमा पर स्थित पेलुसियम में गृह युद्ध में किया। इसी बीच टॉलेमी 13th ने रोमन जनरल पोम्पेई की हत्या करवा दी और इसके बाद उसके प्रतिद्वंदी जूलियस सीजर का स्वागत अलेक्जेंड्रिया में किया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, जिसके लिए वो छुपते छुपाते सीजर के महल तक पहुंच गई और अपनी बात रखने में भी सफल रही। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा का संबंध। जूलियस सीजर को रोम में अपनी सत्ता फिर से स्थापित करने के लिए धन की जरूरत थी और वो मिस्र को जीतकर ओलेट्स द्वारा रोम से लिए गए कर्ज की भरपाई करना चाहता था। 4 महीने तक सीजर की कमजोर सेना और टॉलेमी 13th की सेना के बीच युद्ध चला, जब तक कि रोमन सहायक सेनाएं वहां नहीं पहुंच गईं। टॉलेमी को अलेक्जेंड्रिया से भागना पड़ा और माना जाता है कि उसकी नील नदी में डूबकर मौत हो गई। वहीं सीजर ने एक अलोकप्रिय विजेता के रूप में अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश करते हुए क्लियोपेट्रा और उसके छोटे भाई टॉलेमी 14th, जो कि 13 साल का था, उन्हें फिर से सिंहासन पर बैठा दिया। सीजर कुछ समय के लिए क्लियोपेट्रा के साथ इजिप्ट में रुका और लगभग 47 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम टॉलेमी सीजर रखा गया। माना जाता है कि यह सीजर का पुत्र था और उसे मिस्र के लोग सीजेरियन या लिटिल सीजर के नाम से जानते थे। 46 से 45 ईसा पूर्व के बीच क्लियोपेट्रा टॉलेमी 14th और सीजेरियन के साथ सीजर से मिलने रोम गई, जो पहले ही रोम वापस जा चुका था। इसके बाद मार्च 44 बीसी में सीजर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्लियोपेट्रा इजिप्ट लौट आई। जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व के
आइड्स ऑफ मार्च यानी कि 15 मार्च के दिन रोम में पोम्पेई के थिएटर में क्यूरिया पोम्पेई के एक सीनेट बैठक के दौरान कुछ सीनेटरों द्वारा कर दी गई थी, जहां सीनेटरों ने सीजर पर 23 बार चाकू से हमला किया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जल्द ही टॉलेमी 14th की भी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि यह काम क्लियोपेट्रा के एजेंट्स ने किया था और इसके बाद 3 वर्षीय सीजेरियन को उसकी मां के साथ सहशासक टॉलेमी 15th के रूप में नामित किया गया। इस समय तक क्लियोपेट्रा ने खुद को देवी आइसिस से जोड़ा, जो ओसिरिस की बहन व पत्नी और होरस की मां थी। ये प्राचीन मिस्र की परंपरा के अनुरूप था, जहां शाही परिवारों को देवताओं से जोड़ा जाता था ताकि राजाओं और रानियों की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी के संबंध। अपने नवजात पुत्र के सहशासक के रूप में क्लियोपेट्रा की मिस्र पर पकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। फिर भी नील नदी में आने वाली बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो रही थीं, जिससे महंगाई और भुखमरी बढ़ रही थी। इसी बीच रोम में सीजर के सहयोगियों मार्क एंटनी, ऑक्टेवियन और लेपिडस की दूसरी त्रिमूर्ति और उसके हत्यारों ब्रूट्स और कैसियस के बीच एक भीषण संघर्ष चल रहा था। दोनों पक्षों ने मिस्र से समर्थन मांगा और कुछ समय बाद क्लियोपेट्रा ने रोम की 4 सेनाओं को, जो सीजर द्वारा मिस्र में तैनात की गई थीं, त्रिमूर्ति का समर्थन करने के लिए भेज दिया। 42 ईसा पूर्व में फिलिपी के युद्धों में ब्रूट्स और कैसियस की सेनाओं को हराने के बाद मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन ने रोम में सत्ता बांट ली। इसके बाद मार्क एंटनी ने क्लियोपेट्रा को तर्सस बुलाया, जो कि आज के तुर्की के दक्षिण में स्थित है, ताकि वो सीजर की हत्या के बाद की जटिल परिस्थितियों में उसकी भूमिका की व्याख्या कर सके। क्लियोपेट्रा एक भव्य जहाज पर तर्सस पहुंची। उसने आइसिस की पोशाक पहनी हुई थी। एंटनी, जो खुद को ग्रीक देवता डायोनीसस से जोड़ता था, क्लियोपेट्रा के आकर्षण से मोहित हो गया। एंटनी ने मिस्र और क्लियोपेट्रा के ताज की सुरक्षा का वादा किया और उसकी छोटी बहन और प्रतिद्वंदी आर्सिनो की हत्या का समर्थन किया, जो उस समय निर्वासन में थी। इसके बाद क्लियोपेट्रा मिस्र लौट आई और जल्द ही एंटनी भी उसका पीछा करते हुए मिस्र पहुंच गया। हालांकि वो रोम में अपनी तीसरी पत्नी फुलविया और अपने बच्चों को पीछे छोड़ आया था। 40 से 41 ईसा पूर्व की सर्दियों के दौरान एंटनी ने अलेक्जेंड्रिया में समय बिताया, जहां उसने और क्लियोपेट्रा ने एक प्रसिद्ध शराब पीने वाले समाज का गठन किया, जिसे द इनिमिटेबल लिवर्स कहा जाता था। 40 ईसा पूर्व में एंटनी के रोम लौटने के बाद क्लियोपेट्रा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, अलेक्जेंडर हेलियोस यानी कि सूर्य और क्लियोपेट्रा सेलेन यानी चंद्रमा। ये उन जुड़वां बच्चों के नाम थे। सत्ता का संघर्ष। फुलविया की बीमारी से मृत्यु के बाद एंटनी को अपनी वफादारी साबित करने के लिए ऑक्टेवियन की सौतेली बहन ऑक्टेविया से एक राजनयिक विवाह करना पड़ा। क्लियोपेट्रा के शासन में मिस्र अधिक समृद्ध हुआ और 37 ईसा पूर्व में एंटनी ने फिर से क्लियोपेट्रा से मुलाकात की, ताकि पार्थिया के राज्य के खिलाफ अपने लंबे समय से अटके हुए सैन्य अभियान के लिए धन प्राप्त कर सके। इसके बदले में उसने मिस्र के पूर्वी साम्राज्य के कई हिस्से लौटाने का वादा किया, जिनमें साइप्रस, क्रेट, साइनेरिका यानी लीबिया, जेरिको और सीरिया तथा लेबनान के बड़े हिस्से शामिल थे। इसके बाद एंटोनी और क्लियोपेट्रा फिर से प्रेमी बन गए और 36 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था टॉलेमी फिलाडेल्फोस। पार्थिया में अपमानजनक हार के बाद एंटनी ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी ऑक्टेविया के उसे पुनः साथ मिलने के ऑफर को ठुकरा दिया और मिस्र और क्लियोपेट्रा के पास लौट आया। 34 ईसा पूर्व में एक सार्वजनिक उत्सव में, जिसे डोनेशंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है, एंटनी ने ऑक्टेवियन के दत्तक पुत्र के बजाय सीजेरियन को सीजर का पुत्र और वैध उत्तराधिकारी घोषित किया और क्लियोपेट्रा से जन्मे अपने बच्चों को इनाम के तौर पर कई जमीनें दिलवा दी। इस घोषणा से ऑक्टेवियन को क्रोध आ गया और एंटनी तथा उसके बीच एक प्रोपोगेंडा वॉर शुरू हो गई। ऑक्टेवियन ने आरोप लगाया कि एंटनी पूरी तरह से क्लियोपेट्रा के नियंत्रण में है और रोम को छोड़कर मिस्र में एक नई राजधानी स्थापित करना चाहता है। 32 ईसा पूर्व के अंत में रोमन सीनेट ने एंटनी से सभी उपाधियां छीन ली और ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
पराजय और मृत्यु। 2 सितंबर 31 ईसा पूर्व को ऑक्टेवियन की सेनाओं ने एंटनी और क्लियोपेट्रा को एक्टियम के युद्ध में करारी हार दी। क्लियोपेट्रा के जहाजों ने युद्ध से पलायन कर मिस्र की ओर रुख कर लिया और एंटनी भी कुछ ही जहाजों के साथ उनका पीछा करते हुए भाग निकला। जब ऑक्टेवियन की सेनाओं ने अलेक्जेंड्रिया पर हमला किया तो एंटनी को एक खबर मिली कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। इस अफवाह को सुनकर एंटनी टूट गया और उसने अपनी तलवार पर गिरकर आत्महत्या कर ली। उसी समय खबर आई कि क्लियोपेट्रा की आत्महत्या की खबर झूठी थी। 12 अगस्त 30 ईसा पूर्व को एंटनी को दफनाने और विजेता ऑक्टेवियन से मिलने के बाद क्लियोपेट्रा ने खुद को अपनी 2 महिला सेविकाओं के साथ अपने कक्ष में बंद कर लिया। क्लियोपेट्रा की मृत्यु कैसे हुई इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन प्लूटार्क और अन्य लेखकों ने यह सिद्धांत दिया है कि उसने एक विषैले सांप जिसे एस्प कहा जाता है उसका उपयोग करके 39 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली। उसकी इच्छा के अनुसार क्लियोपेट्रा के शरीर को एंटनी के साथ ही दफनाया गया, जिससे ऑक्टेवियन को मिस्र पर अपनी जीत और रोम में अपनी शक्ति के एकीकरण का जश्न मनाने का मौका मिला। ऑक्टेवियन को ही आगे चलकर सम्राट ऑगस्टस फर्स्ट के नाम से जाना गया।